वेलकम दोस्तों, आ गए अपने यहाँ पे टूल्स के पास। दो दोस्तों, ये हमारा टूल्स जो है थ्रेडिंग वाला, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो बोल्ट कोई भी टूट जाए, जैसे इस पे आपको देख रहा होगा कि ये बोल्ट अगर टूट गया तो आपको किस तरह से इसको निकालना है। मेड इन चाइना का टूल्स है। इसमें कई साइज के आपको मिल जाएंगे, नंबर 1 से लेकर नंबर 6 तक के इतने बड़े टूल्स में आपको मिल जाएंगे। जो इसके साथ में मैं दो टूल्स के बारे में बताने वाला हूँ दोस्तों, आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ये टूल्स बहुत ही बेस्ट होता है। सबसे पहले हम इसको ओपनिंग कर लेते हैं दोस्तों। ये देखिए, जब भी आप ओपनिंग करेंगे तो आपको इस तरह से मिलेगा, जो इसमें साइज़, इसमें जितने भी साइज के हैं सभी साइज इसमें यहाँ पे वो 1 नंबर 2 नंबर से दिया गया है, तो आप उसी हिसाब से उसको टूल्स को प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पहले दोस्तों ये देखिए, हमारा छोटे से बड़े जितने भी टूल्स हैं यहाँ पे, छोटे से बड़े आपको मिल जाएंगे दोस्तों। इसका काम आप समझ रहे हैं कि कोई भी बोल्ट कहीं भी थ्रेडिंग कहीं भी मशीन में अगर कोई टूट जाता है बोल्ट को, तो आप इसके माध्यम से जो है निकाल सकते हैं। और इसको निकालने के साथ साथ में दोस्तों, इसके ऊपरी भाग में जो लगाने वाला टूल्स होता है, मैं आज आपको वो भी दिखा दे रहा हूँ कि उसको टूल्स को किस तरह से यूज करेंगे आप। ये वाला टूल्स जो आपका होता है दोस्तों, इस टूल्स के अंदर में आप इसको फिक्स करेंगे। जब इस टूल्स को अंदर में इसको आप फिक्स करेंगे, तो जब फिक्स करके आप उसको जो है थ्रेडिंग करेंगे, तो कोई भी बोल्ट हो दोस्तों, आपका बोल्ट बड़े आसानी से जो है दोस्तों इससे आप निकाल सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले इस टूल्स के बारे में आपने समझ लिया होगा, और निकालने के जो सिस्टम है इसमें आपको दिखा दिया गया है कि आपको इस सिस्टम से अगर बोल्ट आपको टूटा हो तो इस सिस्टम से आपको घुमा के उसके बाद निकाल लेनी है। सेम वही टूल्स, बस साइज में अलग और डिफरेंस थोड़ा था। तो दोस्तों आपको ये भी बता दूँ, ये दोनों साइज और टूल्स दोनों सेम है, बस इसमें साइज में थोड़ा सा फर्क है। तो दोस्तों, इस टूल्स को अगर आप उपयोग करेंगे, बहुत ही बेस्ट टूल्स है दोस्तों, थ्रेडिंग के लिए ही और अच्छे कामों के लिए यूज कर पाएंगे।